150 करोड़ में बनी लाल सिंह चड्ढा 60 करोड़ कमाकर फुस हो जाएगी। बायकॉट बिरादरी अब नहा धोकर पुड़िया गैंग के पीछे पड़ गई है। जानिए कैसे लोगों ने साथ मिलकर बायकॉट करने का दम दिखाया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फुस साबित हो रही है। उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन कर सकती है, लेकिन बढ़ते दिन के साथ फिल्म का कलेक्शन गिरता जा रहा है। फिल्म मुश्किल से 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई है। बता दें कि फिल्म की लागत 150 करोड़ है, लेकिन फिल्म की कमाई को देखकर लगता है आज फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने 8वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 से 12 करोड़ का ठीक ठाक कलेक्शन किया था, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ते गए कलेक्शन उतना ही कम होता गया। फिल्म बीते 3 दिन में रेंगते रेंगते 27.96 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाई थी। फिल्म 14 और 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा भी नहीं उठा पाई। फिल्म ने 15 अगस्त को महज 7.87 करोड़ रुपए ही कमाए थे, जिसके बाद से लगातार आंकड़ा घटता जा रहा है। इसी हफ्ते मंगलवार को फिल्म 2 करोड़, बुधवार को 1.50 करोड़ और गुरुवार को 1.25 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म बीते 8 दिनों में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाई है। बीते दिन फिल्म के कलेक्शन में 20% की गिरावट देखी गई है। बता दे कि फिल्म शाहरुख खान की फिल्म 0 के आगे भी फुस रही है। कहा जा रहा है कि डिजास्टर फिल्म की जगह लाल सिंह चड्ढा ने ले ली है। कहा जा रहा है कि फिल्म 60 करोड़ कमाकर दम तोड़ देगी। अब देखना होगा कि दूसरे वीकेंड पर फिल्म कुछ कमाल दिखा पाती है या नहीं। बता दे कि लाल सिंह चड्ढा के साथ अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी रिलीज हुई थी। कहा जा रहा था कि आमिर खान अक्षय कुमार को बॉक्स ऑफिस पर पटकनी दे सकते हैं, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। खुद लाल सिंह चड्ढा अपना बजट नहीं निकाल पा रही है। हालांकि आमिर खान कह चुके हैं कि वो भारत देश से बहुत प्यार करते हैं और उनकी फिल्म का बायकॉट नहीं किया जाए। बायकॉट गैंग को हल्के में लेना आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों को भारी पड़ गया। अब ये गैंग पूरी तरह से एक्टिव होकर बॉलीवुड के पीछे पड़ गया है और इनके होते फिल्में इतनी आसानी से हिट नहीं होंगी।